नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई एंटॉप हिल मंगल ज्वेलर्स के मालिक पर लगा चोर से माल खरीदे जाने का आरोप। एंटॉप हिल ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आरोपों को बताया गलत। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले में निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। पिछले कुछ दिनों में सोना व्यापारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सिर्फ चोरों का कहां मानकर मामले दर्ज किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में मुंबई अंतर्गत एंटॉप हिल में दुकान करने वाले सोना व्यवसायी मंगल ज्वेलर्स के मालिक शांतिलाल जैन को लेकर सामने आया है, जिनको कुछ दिनों पहले कालाचौकी पुलिस द्वारा 2 वर्षों पूर्व हुई एक चोरी की वारदात में चोर से चोरी का 60 ग्राम सोना खरीदे जाने का आरोप लगाकर अपने साथ पुलिस थाने ले जाए जाकर पूछताछ किए जाने का कहा गया। हालांकि जिस समय पुलिस शांतिलाल जैन की दुकान में गई थी, तब पुलिस ने निशानदेही हो तो अपने साथ चोर को भी लिया था और चोर ने दुकान मालिक शांतिलाल को ही स्वर्ण आभूषण बेचे जाने की बात कही थी, ऐसा पुलिस का कहना है। तो वहीं दुकान मालिक का कहना है कि पुलिस जिस चोर को अपने साथ लेकर आई थी, उसने जो कुछ पुलिस को बताया वह सभी बनावटी और झूठ बात थी, क्योंकि सबसे पहले तो चोर ने पुलिस को कहा कि वह दुकान पर कई समय से आता जाता रहा है। जबकि हमने चोर को जब सवाल किया कि दुकान मालिक का नाम क्या है, तब चोर दुकान मालिक का नाम तक नहीं बता पाया। जो कोई किसी के साथ सालों से लेनदेन कर, तो क्या लेनदेन करने वाले व्यक्ति का नाम उसे मालूम नहीं हो, यह बात मानने योग्य है? और तो और वह चोर हमारे क्षेत्र का रहने वाला ही नहीं है और कोई भी व्यापारी अनजान व्यक्ति से कोई माल खरीदी नहीं करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चोर ने अपने बयान में पुलिस को 60 ग्राम वजन के स्वर्ण आभूषण के बदले 2 लाख रुपये दिए जाने की बात कही। यह मामला जिस समय का है, तब सोने का भाव 33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। उस हिसाब से 1,80,000 रुपये उस सोने की असली कीमत बनती है। उसका कोई भी व्यापारी 2 लाख रुपया कैसे देगा? आरोपी बनाए गए व्यापारी द्वारा बताई गई इन बातों से वाकई में मामले में कुछ संदेहजनक जरूर दिखाई पड़ता है। पुलिस प्रशासन क्राइम को कंट्रोल करने के दिन रात मेहनत कर रहा है और हर एक पीड़ित को न्याय मिले ऐसा प्रयास भी कर रहा है, लेकिन इस मामले में पकड़े गए उस आदतन अपराधी चोर द्वारा पुलिस को गुमराह किए जा सकने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चोर तो चोर है, कुछ भी बहानेबाजी करके अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन व्यापारी जो बाजार में अपनी इज्जत लेकर बैठा है, वह कोई भी गैरकानूनी काम अंजाम देने के पहले कई बार सोचता है। इसलिए इस मामले में पुलिस को व्यापारी की बात सुनकर सही दिशा में जाँच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी चोर के झूठे कथन के कारण बेकसूर व्यापारी के साथ अन्याय नहीं हो। आगे वीडियो में सुनिए व्यापारी शांतिलाल एवं उनके बेटे के साथ MRSSF के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष एवं एंटॉप हिल ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का इस मामले पर दिया गया बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर आपका नाम? शांतिलाल जैन। आपके साथ क्या घटना हुई बताइए। सर मेरे को 15 तारीख को पुलिस से एक चोर को पकड़ के लेके आए थे और मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। जैसे मैं दुकान के अंदर बैठा था, फाइल लेने के लिए आया था, मेरा दुकान का नाम मंगल ज्वेलर्स है और मैं दुकान में घुसा, मेरा आईज का डॉक्टर के पास जाना था फाइल लेने के लिए। जैसे मैं फाइल लेने के अंदर घुसा था तो काला चौकी से 5-6 पुलिस वाले आए थे चोर को लेके आए। उन्होंने बोला भाई ये 2 साल पहले इसने 60 ग्राम सोना दिया है। तो मेरे लड़के ने उसको जवाब किया भाई दो कितने में दिया, क्या लिया, क्या क्या किया। उसने चोर को पूछा तो चोर बोला सर मैंने 5/12/2019 को 60 ग्राम सोना दिया, उसके बदले में इन्होंने मेरे को 2 लाख रुपये दिया। तो 2 लाख रुपये दिया तो तू क्या दिया, तो बोला नाक का फुली दिया था और कान का 2 जोड़ी दिया था और 2-10 ग्राम का चेन दिया, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं बोला सर ये तो झूठा है, हमने तो ये सब लिया नहीं है। तो भी फिर माने नहीं, तो बाद में कोई नोटिस दे के गए, हम तो उनको नोटिस का जवाब देने के लिए। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आपने नहीं दिया? आपका जो आप दावा कर रहे हो कि आपने नहीं लिया, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है, 2 साल पहले जब ये 60 ग्राम सोना हमको देगा और हम 2 लाख रुपये देंगे, तो उस टाइम मार्केट में चोर जब बोल रहा है 60 ग्राम सोना आपको दिया है और उसका वैल्यू 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपये उस टाइम जमाने उस 2 साल पहले ये भाव भी नहीं था, और 2 लाख रुपये हमको क्यों दें? अगर चोरी का माल लेना है तो 2 लाख रुपये क्यों देंगे? 60 ग्राम सोने का मार्केट वैल्यू उसका 1,80,000 होता है। अच्छा, मतलब आपका ये सीधा सीधा कहना है कि जो वैल्यू बता रहे हैं और जो पैसा वो बता रहा है कि हमको मिला, वो दोनों ही मैच नहीं हो, दोनों ही मैचिंग नहीं हो रहा है। और 2 साल पहले वो सीधा आया 5/12/2019 का तारीख फट करके आके बोला, तो सर ये तो एकदम गलत है। हम तो ऐसा ये बॉम्बे जैसे मार्केट में इधर बैठे हैं, हम लोग अच्छा एरिया में बैठे और ऐसा चोरी का माल लेंगे, तो हम तो 30 साल से इधर धंधा कर रहे हैं सर, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। और
आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है भाई, वरिष्ठ अधिकारी से ये लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और ये गलत जो हो रहा है जो गलत है। एक चोर को पकड़ के लेके आएंगे और ऐसा ऐसा बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम छोटा आदमी धंधा कैसे करेंगे? लेकिन आप अपनी तरफ से क्या पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे? हम तो पुलिस से हर बार सहयोग के लिए तैयार है सर, हमारा तरफ से पुलिस आप जैसा बोले हम लोग तैयार है, जो भी वो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार है। का नाम? मेरा नाम भंवर के मेहता। मंगल ज्वेलर्स जो एंटो फिल्म में है, उनके यहाँ काला चौकी से PSI पुकले साहब जो चोर को लेकर उनकी दुकान पर आई थी, उसका क्या हुआ? देखिए, जिस दिन पुलिस आई थी तो हमारे मंगल ज्वेलर्स के मालिक शांतिलाल जी जैन, उनका मुझे फोन आया था। मैंने उनको एक ही बात कही कि आपने माल खरीदा क्या, शांतिलाल जी से पूछा तो उन्होंने बोला मैं न तो चोर को देखा हूं न मैंने इससे माल कभी खरीदा है। पुलिस एक खाली चोर के हिसाब से, जो चोर चोरी करता है और चोर के हिसाब से अगर पुलिस जो चल रही है आज के टाइम में, ये सब धंधा बंद करो आप, क्योंकि जब चोर तो चोरी करने वाला है उसको क्या है, वो चोर चोरी करके माल बेच के उसका पैसा भी काम पे लगा देता है, और माल बेच के पैसा काम लगाने के बाद वो पकड़ा जाता है। तो ये वसूली किससे होती है? व्यापारी से होती है। पहली बात तो ये कि आपका इन्वेस्टिगेशन में ये होना चाहिए कि जिस चोर ने ये दुकान पे आया था उसको वडाला स्टेशन पे छोड़ो और उसके बाद दुकान बताओ। उसको वडाला स्टेशन पे छोड़ के अगर वो दुकान पे आएगा, आप गाड़ी में लेके उसको 3 बार राउंड मार के बताते ये दुकान बताना तेरे को, ये धंधा बंद करो। कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, चोर को पहले शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ये दुकान बताना है, ये मालिक बताना है, और ये लॉकडाउन है, आज 1 महीना 25 दिन से लॉकडाउन है। तो कहने का मतलब आज लॉकडाउन में सोने का माल न तो कोई खरीदी हो रहा है न कोई बेचार हो रहा है, आज के टाइम में दुकानें कंप्लीट बंद है। उसके बावजूद भी हमारे पोकले साहब को 1.5 से 2 घंटा की खिदमत करनी पड़ी, और उनका तो एक ही कहना था कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, क्योंकि वो सैटरडे संडे देखा जाता है, सैटरडे को लेके जाता है तो संडे को व्यापारी हार जाता है, करे 2 दिन अंदर बैठना पड़ेगा, उसकी इज्जत समाज में खराब हो जाती है। उस इज्जत के लिए वो बेचारा आदमी, फिर वो अपने इज्जत को बचाने के लिए फिर वो आदमी कुछ न कुछ उससे सेटिंग होता है। ये सब सेटिंग बंद करो। कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, फिर भी पुलिस क्यों आई? 26 फरवरी 2021 को इस मामले का चुकादा कोर्ट ने दे दिया था। 1 नंबर आरोपी और 2 नंबर आरोपी पकड़े गए, और उन आरोपियों से 45 ग्राम और 19 ग्राम 64 ग्राम की रिकवरी हुई है। उसके बावजूद आरोपी पकड़ने के बाद एक आरोपी बचा था, वो एक आरोपी नहीं पकड़ा गया, लेकिन जब ऑलरेडी 64 ग्राम की रिकवरी हो गई है और जिन्होंने फिरियाद की उनको मिल गई है, तो फिरियादी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं या फिरियादी को अपील में गया नहीं, तो पुलिस को ऐसे क्यों पड़ी है? जब फिरियादी फिरियाद करता है तो पुलिस रिकवरी करती है ना, और पुलिस को रिकवरी की जरूरत क्या है? फिरियादी की अगर जो कंप्लेन ही नहीं है, फिरियादी उसको ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा इन्वेस्टिगेशन आपने किया वो सही नहीं है, तो वो 64 ग्राम सोना क्यों लेता? तो कहने का मतलब मेरा ये कि आप जो पुरवणी जवाब के अंदर जो एक पहली FIR में समझो 100 ग्राम की FIR आप लिखते हैं, तो पुरवणी जवाब में 10-15 ग्राम कोई बच जाता है, अपने दिमाग में से निकल जाता है, तो वो बाद में होती है। तो आप तो पहले 100 ग्राम की FIR लेते और पुरवणी जवाब में 150 ग्राम की लेते हैं, ये कौन सा तरीका है? मतलब इसमें कुछ ना कुछ सेटिंग लग रहा है मुझे। पुरवणी जवाब के बाबत में आपका क्या कहना है? बस पुरवणी जवाब का मैंने अभी बोल दिया ना कि पुरवणी जवाब में अंदर कोई ना कोई, अभी जो भी व्यापारी के साथ में जो पुरवणी जवाब बताकर उसकी FIR का वजन समझो 150 होता तो 300 कर दिया जाता है, क्योंकि 300 में उनको मालूम है कि 300 ग्राम की रिकवरी आएगी,
तो पार्टी का तो 150 ग्राम ही गया, उनको मालूम होता है, और 150 ग्राम सेटिंग हो जाएगा। बस यही सब चल रहा है। हर पुलिस स्टेशन में 411 के बहाने ये जो काम हो रहा है, ये अंधकार को बंद करे। और मैं अभी भी आपको छाती ठोक कर कहता हूं, अगर आपने बंद नहीं किया तो इसकी मैं सीएडी जांच करवाऊंगा। सर आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंह कछावा है और मैं सेंट्रल नॉर्थ ज्वेलर्स का एक सदस्य है और अंटापिल ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष होने हूँ। सर सर क्या कहेंगे आपके जो सहयोगी है उनकी दुकान में जो मामला है उसके ऊपर क्या? सर हम यहाँ करीब करीब 20-25 साल से बिजनेस करते हैं, पर ये क्या जब भी हम मैं गया उस दुकान में तो ये चोर को लेके वहाँ ये बातचीत चल रही थी कि भाई 60 ग्राम सोना उन्होंने 2 लाख में लिया, जबकि ऐसा हम लोग कभी आए ऐसा व्यवहार किसी से करते नहीं है। और उस 2 साल पहले इतना उस सोने का वैल्यू भी नहीं था। एसोसिएशन का नियम है और हमारे एसोसिएशन का नियम है जैसा कोई भी चोरी का यदि किसी से माल भी लिया हुआ है हम चोर एसोसिएशन में हम बाहर निकाल देते हैं। और एसोसिएशन का नियम है यदि साथ में कोई माल लेते हुए हुआ तो एसोसिएशन बाहर निकाल देते हैं उसको किसी को। एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं हाँ वो इस तरह की गलती से भी नहीं करते? नहीं गलती कोई गलती से भी ऐसा एसोसिएशन का माल मतलब चोरी का माल हम लोग लेते नहीं सर। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे जो सदस्यों को जब प्रताड़ित किया जा रहा है झूठे आरोपों से उसका न्याय सही हो, मतलब जो भी है चोर से वेरीफाई बराबर की जाए और पूछताछ की जाए। हमने माल हमने ये माल कोई हालत में लिया नहीं है सर, हमारे मेंबर या नियम है हम लिया हो तो खुद जाके पहले आते भर देते हैं सर। आपने ये माल लिया नहीं लेकिन एक एफआईआर तो हुआ है, चोर तो पकड़ा गया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मेरे कहना मतलब उसको जांच वेरीफाई जांच की जाए। चोर देखो चोर के माल बेचता वहाँ नहीं बताता है, वो अगर अपना बचाव के लिए कहीं भी आके बता देता है झूठा भाई मैंने माल यहाँ दिया है, इसलिए चोर से बराबर मतलब इंक्वायरी की जाए और हम भी उसमें साथ देने को तैयार है। हाँ सर क्या चेम्बूर में रहने वाला चोर यहाँ के अंटापिल आके देवे ये संभव ही नहीं है, क्योंकि चोर मतलब जो है देता वहाँ बताता नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब चोर यहाँ रहता नहीं था और आके यहाँ का बता रहा है? हाँ चोर बिल्कुल ये रहता नहीं है, चोर कभी चेम्बूर बता रहा है किधर का आके बता रहा है, यहाँ रहने वाला है भी नहीं चोर। मेरा ये कहना है कि चोर की बराबर जाँच की जाए, एक बराबर वेरीफिकेशन हम लोग साथ हम भी साथ देने को तैयार है उसमें सहयोग के लिए। नाम? नीलेश शांतिलाल जैन। नीलेश जी आपकी दुकान में क्या हुआ और उसके ऊपर आपका क्या कहना है? 15 तारीख को जब हम जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए डैडी के लिए, तब करीब 2 बजे के आसपास पुलिस काला चौकी से पुलिस स्टेशन से आए चोर को लेके और बोला कि ये चोर 5 साल से व्यवहार कर रहा है इनसे। तो मैंने पूछा कि चोर अगर 5 साल से व्यवहार कर रहा है तो उसका नाम क्या है? तो बोलते हैं नाम वाम कुछ पता नहीं मेरे को, मैं खाली देता था ऐसे ही देता था। फिर मैंने पूछा कि आपने क्या दिया? तो बोलता है कि 60 ग्राम दिया वो भी 2 लाख में, बट वो वैल्यू करंट तभी की 2019 की करंट वैल्यू के हिसाब से अमाउंट होता है 180-185 समथिंग। तो वो 2 लाख क्यों देंगे, हम लोग घाटा करके क्यों सौदा करेंगे? अगर चोरी का भी माल लेना है और ज्यादा में भी लेना है तो ऐसा कौन करेगा? आप पूरी तरह से आरोपों को खारिज कर रहे हो लेकिन आपके पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत? सर जब वो चोर बोल रहा है मैं 5 साल से व्यवहार कर रहा हूँ दुकान में, तो 5 साल में एक ही बार आएगा, 2-3 बार आया रहेगा, एक कितने बार आया रहेगा उसको कुछ पता ही नहीं है, डेट ही नहीं पता है। आपकी क्या मांग क्या है? सर मेरी तो यही मांग है कि इसकी रिसर्च अच्छी हो। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।